अब पूरी हो गई है मूड ऑफ क्या बोला जाए प्रोपस। वो 6:05 में लाइन लाइव हुआ है और अभी तक आपका बिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। बताइए तो क्या जो फोन लेने जा रहा है अभी वो 17 प्रो प्लस कैसा है फीलिंग्स आपका अभी जो फोन लेने जा रहा है? ये कौन है यूएसबी अल्ट्रा बोलिए पहले फोन तो हाथ में ले उसके बाद तो फीलिंग बताएंगे। तो अभी फीलिंग्स कैसा लग रहा है? अभी फीलिंग्स कुछ नहीं लग रहा, अभी जाएंगे हो सकता है वापस भी आना पड़ सकता है। नहीं स्टॉक मिलेगा? नहीं मिल, एक्साइटमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं कुछ फीलिंग अभी नहीं लग रहा, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा, जब ले लेंगे तब एक्साइटमेंट होगा। हाँ चलिए चल के देखा एक्साइटमेंट कैसा लगा। ठीक तो ये क्या है सेल्फी वाला है वीडियो बनाने वाला ये कलकत्ता में अपना करते हुए अंकल आंटी चपकते हुए क्या नहीं पापा की पढ़िया पापा के पढ़ा के साथ घूम रही है उड़ के और ये हम लोग चले अवनी मॉल की तरफ। ये नवन्ना का पीछे हम लोग ब्रिज से जाएंगे अब अवनी मॉल साइड में। ये बाइक देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि अंकल को क्या बोला जाए। प्रॉब्लम वो नहीं है, अंकल का वेट देखिए रोहित देख के ऐसा नहीं हो गाड़ी ठोक देना। ये हमारी कार है, ये हमारी कार है कहना सा दे, ये हमारी कार है और ये हम है। फोटो ब्लैक हो गया था अब कलर आया। ठीक है रोहित शेट्टी है जो गाड़ी उड़ाता है। ये रोहित शेट्टी है वो मूवी में उड़ाता है, ये रियल वाला उड़ाता है। ये रियल लाइफ वाला है, वो रियल लाइफ वाला है। शेट्टी का स्माइल देख विद्यासागर सेतु ब्रिज कैसे क्या किया जाए। जी हम लोग चलते हैं वीवो 70 तो प्रो प्लस लेने। ये देखिए बाहर का नजारा, ये थोड़ा वेदर देख लिया है आज का वेदर कैसा है। छोटा सा लोग राइट लेते हैं। जी हमारी पोलो है, पोलो और पार्टी हो रही है पार्टी ये हमारी कार है। की लड़की हुआ।
ये हमारी पोलो है, पोलो पार्टी हो रही है, पार्टी ये हमारी कार है, और ये हम है, और ये पार्टी हो रही है, ये पार्टी हो रही है, पार्टी। और ये वेयर इज अवनी मॉल, वो अवनी मॉल है जहाँ हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने। और ये कोलकाता है, कोलकाता कोलकाता यहाँ से खत्म हो गया, अब नवंद आ गया। बाकी कंटिन्यू हम लोग करेंगे मॉल में पहुंच। एक्सप्रेस में मत घुसो, आंदुल में घुसो, आंदुल 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 में घुसो, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये हम लोग पहुंचे अवनी मॉल। बोले ना, ये हम लोग पहुंचे अवनी मॉल, ठीक है। और ये आंटी जी है कॉल पे, आंटी जी 40 लाख पर डे करना है मैम, तो टोटल 40 लाख पर डे करने के लिए हम लोग पार्किंग में जाते हुए 6 करोड़ का टारगेट गाड़ी लगाने के लिए, मोटा मोटी हम लोग 4.5 करोड़ रीच कर जाएंगे मंथ में जी हमारी। ये देखिए भैया, सही है ना साथिया? सही है, सही है, इधर नहीं, हाँ इधर से ऊपर चलना है। हेवी है तो नौसार गया, 600 हेवी है तो, हेवी है तो ऐसा। अब नाम नहीं लेना होगा भैया लोग, रोहित अगर यहाँ से कैमरा गिरेगा क्या होगा? कहाँ पे नीचे में लिखा हुआ वो जिन लोग फॉलो करते हैं रूल, नॉट फॉर अस, कैमरा अलाउ नहीं है, फोटोग्राफी नहीं कर सकते यहाँ, तो फोटोग्राफी हो रहा है, वीडियो बन सकते। ओह हम तो मोबाइल निकाल के करने लगेंगे ज़्यादा। इधर 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 रिलायंस डिजिटल इधर है, हम तो बोल दिए रहे भैया हम जा रहे हैं, बोला फोटोग्राफी। ओ उधर है, क्या बोला? नहीं नहीं अब पूरी हो गई है मूड ऑफ, क्या बोला जाए। ये हम लोग रिलायंस डिजिटल से निकलते हुए, आई मीन अवनी मॉल से जा रहे घर का तरफ, और ये पीछे में भैया बैठे हैं, इनका मूड हो गया है और पूरा वो फोन में बात करते हुए, क्योंकि हम जो फ़ोन लेने गए थे वीवो X70 Pro Plus, वो 6:05 में लाइव हुआ है और अभी तक आपका बिलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। सो वो लोग बोल रहे हैं कि सर आप घर चले जाओ, घर में डिलीवरी करा दे रहे हैं नॉल, बट हमें तो यहाँ लेना था ना, अब जा रहे घर, देखा है क्या होता है, वो रात तक वो लोग डिलीवरी करा दे। और अब पूछा है भैया से कि इनका क्या फीलिंग है, बोला पहले फोन ले ले दीजिए तभी तो फीलिंग होगी। तो बताइए कैसा फीलिंग लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा कि नहीं आ रहा? एकदम बहुत गुस्सा आ रहा है, 1 घंटा आने में वेट कराया, आधा घंटा से आधा घंटा का ऊपर ही हम लोग वेट कर लिया ना, और ऊपर से आपका फोन भी नहीं दिया। सही बात है। तो ये अवनी मॉल रिलायंस डिजिटल को कितना आप देना चाहेंगे? रिव्यू बनाएंगे? जीरो रेटिंग। सोचिए कस्टमर आके 40-50 मिनट्स वेट कर रहा है, इतना महंगा फोन खरीद के, वो भी इतना महंगा फोन लेने के लिए, और उसके बाद क्या खाली हाथ घर जा रहा है, क्यों? क्योंकि 6:05 में लाइव हुआ है फोन, अभी बिलिंग नहीं हो रहा, आपको और वेट करना होगा, उतना कौन वेट करेगा यार, पहले आप लोग बोल दो। हम लोग पहले बुला दिया सर आइए आइए आइए, स्टॉक आ गया आपको दे दे रहा है, हम लोग 5:30 के करीब के आए हुए हैं और अभी कितने बज रहे, 3:30, ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करने के बाद मिला क्या रिजल्ट? 0। अब घर में आपको घर में लेना है डिलीवरी? मूड ऑफ ना, टोटली मूड ऑफ ना। चलिए क्या किया जाए, किससे इतना लगा हुआ, यहाँ हम लोग करते हैं वीडियो को बंद, आगे से किससे लगा हुआ शुरू किया जाएगा। थैंक यू जी। देखिए ये सब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करते हुए, और जी हम खिदीपुर पहुंच गए हैं, ये खिदीपुर मोड़ इसको कहा जाता है, जाता था
कहा जाता था, तो अभी क्या कहा जाता है? अभी खिदीपुर कहा जाता है। बेसिकली ये खिदीपुर मोड़ हुआ और ये हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी सीएम का फोटो कहाँ गया, चला गया पीछे, आगे फिर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही है। ये देखिए ऑटो वाला, लाइन लगी हुई है, हजरा खिदीपुर पहला लाइन लगी हुई है। ये हमारी कार है और ये खिदीपुर की तरफ पहुंचते हुए और ये दुर्गा पूजा का होर्डिंग लगना स्टार्ट हो गया है। होर्डिंग के कारण कैफे गया है ढक, बट वो एक छोटू सा कैफे दिख रहा है, छोटू सा कैफे, उसी में हम लोग जाएंगे खाने। पहले कार को कहीं साइड में लगा दिया जाए, कहाँ पे पार्किंग, पार्किंग तो इस गाड़ी के पीछे आगे रखते, आगे घुमा के लगा दे सबसे बेहतर है। पार्किंग है, घुमा के लगा दे, देख लो पार्किंग है तो नहीं तो आगे भी आप घुमा के लगा दे, जगह है बहुत, इधर ही रखो ना, इधर ही से निकल जाएंगे। हाँ आराम से वॉक करके हम लोग निकल जाएंगे, रखो वहाँ पर, घुमाने का फिर झमेला नहीं रहेगा। पार्किंग और ये है सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल, यहाँ हम लोग पार्किंग कर रहे हैं, अभी सिक्योरिटी का डाक के बोलेगा अरे हटाओ यहाँ से। सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल अभी आके बोलेगा सेंट थॉमस स्कूल के वॉचमैन हटाओ यहाँ से। सेंट थॉमस गर्ल्स के सामने पार्किंग करते हुए और हमारा जो कैफे पड़ेगा वो सेंट थॉमस गर्ल्स के ऑपोजिट में ही पड़ेगा। ये खिदीपुर एरिया है, मास्क यहाँ अलाउ नहीं है, यहाँ लोग मास्क नहीं पहनते हैं, उन्हें पाप लगता है। और ये हम लोग जाते हुए नौसारा लोग जैसे नौसारा दिया सबसे आगे। आपका फ़ोन बहुत महंगा पड़ गया, पहला वाला दिन इतना चलना पड़ा, आज जाके भी नहीं मिला, सोचिए फोन कितना महंगा पड़ा, कितना महंगा पड़ गया, हम लोग इतना दूर गए हैं अभी तक मिला नहीं है ना। और हम लोग सोच रहे कुछ खाते हुए रोड में ब्लॉकिंग करने से नहीं होगा, अच्छे से रोड क्रॉस करना होगा, कार लॉक किए तो। और ये हम लोग कैफे की तरफ जाते हुए, ये हांडिया बैठी हुई है, क्या नौ साहब दिया फिर बोलिए है ना, क्या हांडिया बैठी हुई है। हाँ और अच्छा लगता है, और ये हम लोग चल रहे हैं कैफे की तरफ, सी ये हमारा कैफे का रास्ता है कि नहीं देखे नहीं। और ये पूजा के लिए देखा है क्या क्या हो रहा है, ये है कैफे, ठीक है ये कैफे, आइए तो बैठे इसको ये कहाँ गया ना, सिर्फ काउंटर में है नहीं बंदा। और ये देखिए आते ही भैया बैठ गया, जगह ले लिए ना, कहाँ है नहीं नसीब, हाँ नसीब का ये ठीक है, वीडियो फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा, पहले देखा जाए। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं, हाथ धो ले ओके ये क्या है ना साथ में मोमो चिलो कबाब, दिस वन इज मोमो, दिस वन इज कबाब, दिस इज मोमो, दिस इज चिकन फ्राई पांच छह प्लेट ले गए तो ये है आज का नजारा, सब खा लेते हैं खास को मोटा बना दो नसीम, स्माइल करते हो कहाँ नसीम, नसीम बेचारा मेहनत करता है। क्या बोल रहे हैं, मोमो का जो भर है अलग टाइप शेप डिफरेंट है ना, शेप डिफरेंट है। हम लोग कैफे से निकलते हुए है कि नहीं, एकदम अब आराम से पूजा भी किया जाएगा, धमाल है तो फेस्टिवल वाइब्स क्या
ये अपना बिजी है फेस्टिवल वाइज। हम लोग गाड़ी कहाँ है गाइस, गाड़ी 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 गाइस, गाड़ी 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 कितना फोन में बिजी रही है कितना ऐसा करने से कैसे चलेगा, रास्ता काफी बिजी है। और ये पार्किंग एरिया, ये है आपका सेंट थॉमस गर्ल्स, सेंट थॉमस गर्ल्स के ऑपोजिट में ही है। कैफे का नाम है आइसबर्ग कैफे, है कि नहीं? कुछ बोलिए, आप तो चुप हो गए एकदम। ये है हमारी कार की लाइट, हम लोग जाएंगे घर की तरफ। ये आपका क्लिप हो गया, बैठे हुए बैठ गए पीछे सीट पे रख दिए तो खाना तो चलो। यहाँ से माजा हार्ट ब्रिज करें, ये अच्छा लगेगा। अभी माजा हार्ट ब्रिज रात को जो लगेगा मतलब देखने लायक पूरा। वापस हम लोग घर जाते हुए क्या बोला जाए, रेस है ना भैया। हम लोग का शाम बर्बाद, ये सब मस्तानी बर्बाद। और ये भैया को समझ नहीं आ रहा गुस्सा में क्या क्या बोला जाए उन लोगों को। गुस्सा नहीं है, बस जो लेने आए थे वो नहीं मिला, है कि नहीं? और क्या बोला जा सकता है, नहीं मिला। और ये आपको घर के तरफ जाते हुए ये पहाड़ का नजारा देखिए, उधर से जाना चाहिए था। रोहित उधर देखो खाली हो गया ना जल्दी, लेफ्ट साइड पर क्लियर। बट हम लोग जिस लेन में है ये लेन काफी जाम है, ये भी जल्दी हो जाएगा। अब तो कब से लग बीमारी लत है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई क्या है कि नहीं, बीमारी बीमारी नहीं दोस्तों। जी हम लोग को अब कैमरा बंद करना होगा क्योंकि ये नौसाद भी है थोड़ा सा अभी दूसरे मूड में है वायरल, और फोन में आंटी जी का फोन आया इसीलिए प्रकाश है, नहीं नहीं आंटी जी का फोन आया, सो हम लोगों को बंद करना होगा वीडियो।
बाद में कंटिन्यू करेंगे। सो टाटा। हमें जो कवर नहीं पहना है पीछे का, जैसे वो जो बैक कवर होता है ना, कार होता है ना, वो ही लगा लेते हैं। हाँ भाई, देख रहे हैं फोन तो जय हो रहा है। फोन मगर हम लोग कम दाम में मिल गया, सस्ता में मिल गया। वीवो, वीवो कितना है? X70 Pro Plus, Pro Plus, Pro Plus। इसका रिव्यू डाला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, है तो ये देखिए इसके अंदर का है, ये अलग से, ये फोन का है, बाकी सब इसके इसके साथ आ रहा है। एक बैक कवर, चार्जर, हेडफोन। चलिए ये वीवो का अच्छा है। ये तो फिर ये देखिए, ये क्या है? मैनुअल बुक, पेपर पढ़ेगा। इसका पिन कहाँ रखते हैं? पिन आई तो वीवो के साथ आ रहा है पिन उसका, ऐसा लग रहा है इसे चम्मच से छोटा था, है ना? उसके साथ आ रहा है एक एयरफोन, सिम वन, जियो फोन कोई भी हो, सिम जियो क्या चलता है। USB, ये केबल का USB बहुत बढ़िया दिया, चार्जर अच्छा दिया, नो डाउट। हाँ 65 है और 55 ठीक है। फोन का रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, इसमें नहीं।